हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एनपीओ के फर्स्ट न्यूमेरिकल कंसेप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है एनपीओ के लिए, माने ये सिर्फ एनपीओ के लिए प्रिपेयर होता है और कोई कंपनी, एंटिटी, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बना सकते। एक एनपीओ ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। तो हम यहाँ से अपनी बात शुरू करने वाले हैं। अब इसका नाम जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो आप लोगों ने 11th में बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी अकाउंट्स की और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि रिसिप्ट माने होता है इनफ्लोज ऑफ कैश, पैसा आना। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, रिसिप्ट माने इनफ्लोज ऑफ कैश एंड पेमेंट्स माने आउटफ्लोज ऑफ कैश। पैसा आने को रिसिप्ट बोलते हैं और पैसा जाने को आउटफ्लो बोलते हैं, पेमेंट बोलते हैं। माने कि इतनी बात तो पक्की हो गई कि ये अकाउंट सिर्फ पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग अगर याद कर पाए तो आप लोगों ने पहले भी एक ऐसी चीज़ पढ़ रखी है, उस चीज़ का नाम है कैश बुक। कैश बुक भी पैसे के आने और पैसे के जाने की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करती है। चलिए उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे जब कंपेरिजन करेंगे फॉर्मेट्स का। उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे यहाँ पर। वो जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके वन मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, दूसरा इसका बेसिस क्या होता है। एक अकाउंट का जो नेचर है वो पर्सनल, रियल या नॉमिनल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश एंड बैंक अकाउंट को। सो जिन लोगों को याद नहीं है उन्हें मैं याद दिला दूँ, कैश एक एसेट होता है और जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट को दर्शाते हैं क्योंकि उनको ओन करा जा सकता है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, रियल अकाउंट। इसका बेसिस क्या है, हम आपको ये भी याद दिला दें कि 11th में दो बेसिस हुआ करते थे, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। सो बच्चा लोगों याद करो, कैश बेसिस का मतलब होता था जो पैसा मिल रहा है और जो पैसा जा रहा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस साल का है या किस साल का नहीं, मैं तो उसको लिखूंगा बुक्स में। लेकिन एक्रुअल का मतलब क्या होता था, एक्रुअल बेसिस का मतलब होता था कि चाहे पैसा अभी गया या नहीं गया या मिला या नहीं मिला, मैंने अगर अर्न कर लिया है या ड्यू हो गया है तो आई हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल एक्रुअल का एग्जाम्पल है जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट लिखते थे आप पीएनएल अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखनी पड़ती थी ना, ये एक्रुअल है। एक्रुअल बेसिस बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि वो दूसरे के क्लेम्स और हम पर जिसके क्लेम्स हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन कैश बेसिस लीगली अकाउंट्स में अलाउड नहीं है। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये सिंपली एक कैश बुक जैसी चीज़ है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एनपीओस कैश बुक नहीं बना सकते। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसी वजह से कैश बेसिस पे बनता है क्योंकि एनपीओस के पास अपनी कैश बुक नहीं होती, दे हैव टू मेंटेन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसीलिए ये कैश बेसिस पे बन रहा है। और कोई भी अकाउंट जो आगे हम बनाएंगे एनपीओ के लिए वो सब एक्रुअल बेसिस पर ही बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बात करी थी कि एक्रुअल बेसिस ही लीगल बेसिस है इंडिया में, कैश बेसिस नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बस कैश बेसिस पे बनता है। चलिए अब जब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट बेहद सरल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेडिंग ऊपर, डेबिट साइड पर रिसिप्ट सारी उनके अमाउंट्स, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पर पेमेंट सारी और उनके अमाउंट्स। ओपनिंग बैलेंस में आप कैश और बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, टू बैलेंस बीडी करके, याद करिए कैश बुक में भी इधर ही आता था। उसके बाद सारी रिसिप्ट, यहाँ मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में ऑल काइंड्स ऑफ अमाउंट केम इन। कोई भी पैसा आ रहा है, किसी भी कहीं से भी आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बस पैसा आ रहा है तो इधर लिख दो भाई। यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट, नो मैटर पैसा कहाँ जा रहा है, बस जा रहा है तो हमको लिखना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ज्यादा वाली साइड का टोटल दोनों तरफ, कम वाली साइड माइनस, जो बचेगा वो क्लोजिंग कैश और बैंक के नाम से यहाँ आ जाएगा। बेहद सरल सा अकाउंट है। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही आगे चलकर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी। इस वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब वीडियो के अगले सेक्शन में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम इसका इसलिए एक ही न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन पर अभी बुक्स नहीं हैं, सो उन लोगों की सहूलियत के लिए मैंने वीडियो के एंड में क्वेश्चंस की फोटोग्राफ्स ऐड कर दी हैं आपकी टीएस ग्रेवाल से, नए एडिशन से। तो प्लीज़ आप उनको देखें, उन्हीं से अपना रिवीजन करें एंड होमवर्क करें फिलहाल के लिए।
चलिए अगले सेक्शन पे आते हैं और अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टीएस ग्रेवाल का। सो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पहला टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन से। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। हमें नीचे बहुत सारे बैलेंसेस दे रखे हैं, इन बैलेंसेस में से कुछ हमारे रिसिप्ट्स हैं, कुछ हमारे पेमेंट्स हैं, कुछ ये नहीं दिया हुआ कि क्या फाइंड करना है और क्या फाइंड नहीं करना है। तो देखिए जी हम शुरुआत करते हैं, हम लाइन वाइज चलेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, सिंपली आपको लाइन वाइज चीज़ें उठानी है। अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में, पेमेंट है तो पेमेंट में, कुछ अगर आउटस्टैंडिंग एक्रूड है तो वो हम नहीं लेंगे। जैसा मैंने बताया ये रियल बेसिस पे बनता है, इसमें कोई भी उधार की चीज नहीं आएगी। तो जैसे हम बात शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है कैश इन हैंड ऑन 1st of April। तो जैसा मैंने आपको बोला था ये कहाँ आएगा, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, हमारा टू बैलेंस बीडी में अमाउंट आएगा कैश का। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो मेंशन करने के लिए कि कैश है सिर्फ 4,390। देन उसके बाद जो हमारी सेकेंड वैल्यू है सब्सक्रिप्शन, मैं बता दूं सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है, जैसे आप कोई जिम ज्वाइन करते हो मंथली जो आप पैसे देते हो दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो एनपीओ के लिए तो ये रिसिप्ट हुई ना, पैसे मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे 37,600 रुपीज़। देन उसके बाद अगला है हमारा डोनेशन, अब डोनेशन भी पैसे मिलना है भाई, सो आपको डोनेशन मिल रही है आप डोनेशन भी लिखें 8,000 रुपीज़। देन उसके बाद हमारी एंट्रेंस फ़ी है, तो टू एंट्रेंस फ़ी, ये भी हमारी रिसिप्ट है, तो हमारी जो एंट्रेंस फ़ी है वो हमारी 4,300। देन उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, अब ये भाई रेंट रिसीव्ड है तो नाम से ही क्लियर है कि ये भी इधर ही आएगा रिसिप्ट साइड पे। देन उसके बाद हमारी जो अगला आइटम है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भाई चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली यहाँ आने चाहिए बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं हमारे 3,440। देन उसके बाद हमारे हैं टैक्सेस पेड, ये भी एक पेमेंट है, सो बाय टैक्सेस वो है हमारा 490। देन उसके बाद हमारी सैलरीज हैं, सैलरीज भी इधर ही आएंगी हमारी पेमेंट साइड पे, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो एन आउटफ्लो, वो है हमारा 21,500। देन उसके बाद है ऑननेरियम, ऑननेरियम बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या है, सो ऑननेरियम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेमेंट, एक बेसिकली ऑननेरी पेमेंट होती है। क्या होता है, एनपीओस कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैरिटी का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मुझे मान लीजिए किसी एनपीओ ने बुलाया कि सर आप यहाँ पढ़ा दीजिए, एंड मैं आउट ऑफ बेसिकली मैं अपनी तरफ से कुछ चैरिटेबल वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं उनको फ्री में पढ़ा कर आ गया बच्चों को, पर एनपीओ जो है वो कुछ मुझे पे करना चाहता है फिर भी, वो नहीं चाहता कि वो मेरी सर्विस फ्री में ले, तो उसने ड्यू टू माई ऑनर मुझे कुछ पे कर दिया, दैट इज़ बेसिकली ऑननेरियम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइन, ठीक है जी। सो ये भी एक तरह की सैलरी ही होती है। देन उसके बाद अगला है हमारा प्रिंटिंग, आप लोग 11th से जानते हो कि ये एक खर्चा होता है, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350 रुपीज़। देन उसके बाद पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस माने छोटे मोटे खर्चे, वो भी आपकी एक पेमेंट ही है 900 रुपीज़। एंड देन उसके बाद आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, सो वो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भी इधर लिख दिया, ये आपकी सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बात आगे कैसे बढ़ेगी, बहुत सिंपल है, इन सारी चीज़ों का टोटल यहाँ पर आप पहले इन दोनों चीज़ों का टोटल कर लीजिए रफ में दोनों साइड्स का, एंड जो टोटल ज़्यादा आए उसे दोनों तरफ लिख दीजिए, ज़्यादा वाले टोटल में से वैसे इसी साइड का टोटल ज़्यादा आएगा इस केस में, ये वाला टोटल दोनों तरफ हम लिखेंगे, कम वाला माइनस करेंगे, कम वाला माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और इसे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। मैं आप लोगों के लिए टोटल कर देता हूं, सो यहां पे मैंने टोटल कर दिया है आप लोगों के लिए, इस सेक्शन में आप लोग देख सकते हो कि जो टोटल है इस साइड का वो आ रहा है 59,540, मैंने कम वाली साइड डिडक्ट करी तो मेरा बचा 30,050 रुपए, यही मेरा आंसर है बैलेंसिंग फिगर, और यहां पे मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको वीडियो के साथ इस क्वेश्चन इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी नई वाली बुक में वो सारे अटैच करके दे रहा हूँ, आप आने वाले बेसिकली सेक्शंस में उसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए एंड उन क्वेश्चंस को आगे कर लीजिए।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा समझ आ सकता है। मेनली थ्योरी वाली बातें याद रखें कि ये जो बेसिकली इसका नेचर है और इसका बेसिस क्या है एंड इसका जो तरीका है। जिन लोगों की कैश बुक अच्छी रही है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों की रही है, उनके लिए ये बहुत ही आसान चीज़ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले सेक्शन में अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी जिसमें हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है। सो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, हमें बताएं कि किस तरीके से हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में, एंड प्रोसेस आपको कैसा लगा वो भी हमारे साथ शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पे, जो लोग जानते हैं मुझे। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।